अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ता विद चिली गार्लिक सॉस बना रहे हैं, जिसके लिए हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 400 ग्राम पास्ता डाल देंगे। आप पास्ते की कोई भी शेप ले सकते हैं। इसको 6 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। यहाँ 4 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 अदद कटी हुई प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें 400 ग्राम चिकन डाल देंगे। ये बोनलेस चिकन है जिनको छोटे क्यूब में काट लिया है। और 1 चाय का चम्मच या हसबे जायका नमक डालकर चिकन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिनको लंबा काट लिया है। इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच या हसबे जायका काली मिर्च डाल देंगे और 1/2 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। और 1/2 कप टमाटो केचप डालकर मिक्स कर लेंगे।
सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक अदद कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और एक खाने का चम्मच लेमन जूस डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। पास्ता विद चिली गार्लिक सॉस तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका पास्ता कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।